तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया एक और स्विफ्ट बेस वेरिएंट रहने वाली है, बिल्कुल नई गाड़ी है। आ रखी हम शीतला कार एम्पोरियम। इसमें क्या क्या काम हुआ, अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। भैया ने इसमें फॉग लाइट भी नहीं अपडेट कराई। यहाँ पे जरूर कुछ भैया ने, यहाँ देख सकते हो भाई, कुछ पता नहीं क्या लगवाया आगे बम्पर के आगे, बट अच्छा लग रहा है ये चीज़ जो बम्पर के आगे लगाया भैया ने। और साइड पर आते हैं तो साइड पे भी गाड़ी काफ़ी सिंपल रखी गई है। अगर हम बात करें तो साइड पे मेन काम इसका अंदर हुआ है, बाहर हमारे लगे हैं वॉइज़र, और उसके अलावा ये सुजुकी की फ्लिप की बन चुकी है इसमें, देख सकते हो विद रिमोट सेंटर लॉकिंग वगैरह। ये देख लो आप, गाड़ी को एक बार अनलॉक करते हैं। मिरर वगैरह भैया बाद में लगवाएंगे, मिरर अवेलेबल है इसके। ये देख लो जी, लॉक वगैरह हमारे खुल गए, ठीक है जी। डोर भारी है, डैम्पिंग हुई है इसमें लगता है। चलो एक बार लॉक कर लेते हैं, गाड़ी हो गई लॉक, अनलॉक भी करके दिखा दिया, डैम्पिंग हो रखी है, साउंड आप जज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो डबल डैम्पिंग हुई है, ठीक है जी। और अब आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं गाड़ी में। अंदर आते हैं तो भाई इसके अंदर लगी एम्बे लाइटिंग, और आप डोर जैसे देख सकते हो गत्ता पूरा इसमें जो है चेंज कर दिया गया है। हमारा टॉप मॉडल वाला गत्ता लग गया है विद क्रोम हैंडल, आप जैसे देख सकते हो। उसके अलावा तो ये देख सकते हो स्विफ्ट की ब्रांडिंग वाली, आप देख सकते हो भाई स्कफ प्लेट लगी है। और उसके अलावा गत्ता वगैरह चेंज हुआ, इसमें लगी एम्बिएंट लाइटिंग। अंदर आते हैं हम, पूरी आप एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हो इस तरह से। डैशबोर्ड फट्टा इसमें चेंज नहीं हुआ, मीटर चेंज नहीं हुआ, ये सारी जो दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भैया नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। रिमोट इसमें लग चुका है, ये देख लो पुराना वाला ये हटा दिया गया है, ठीक है जी। और ट्विटर सैश भी लग गई है, पुरानी वाली सैश आप देख सकते हो, ट्विटर सैश भैया ने इसमें लगवा दिया। और उधर भी लग गई ट्विटर सैश। उसके अलावा ये क्या, ये भी चेंज कर रहे हो, गियर नो भाई लाइव देखो, लाइव आपको दिखा रहे हैं होते हुए इसमें काम। एम्बिएंट लाइट इसमें लगी है, काफ़ी बड़ी भैया एम्बिएंट लाइट लगी इसमें। हाँ जला के दिखाना, ये हमारे गत्ते वगैरह चेंज हो गए, ये देख सकते हो भाई गत्ते चेंज हो गए हमारे। और उसके अलावा सीट कवर वगैरह भी आप जो है देख सकते हो भैया इसमें देते हैं लाइफ टाइम गारंटी, बात कर लेंगे भैया से। लो जी गियर नॉब भी चेंज हो गया, बात करते करते गियर नॉब भी भैया ने इसमें जो है अपडेट कर दिया, एंड्रॉयड लगे इसमें। और अपना क्या कहते हैं स्पीकर वगैरह अपडेट हुए हैं, भैया से पूछ लें कौन से लगे हैं, कंपोनेंट वगैरह लगे इसमें। जैसे मैं डे टाइम है भाई, लाइट देखो कितनी ब्राइट लगी है भाई, दिन में भी मज़ा आ रहा है, रात में तो सुपर मज़ा आने वाला है। और उसके अलावा एक बार बैक गियर आपको लगा के दिखाते हैं, कैमरा भी इसमें जो है लगा है, लगाते हैं बैक गियर, ये देख लो भाई इस तरह का जो है कैमरा क्वालिटी रहने वाली है, ए क्लास कैमरा क्वालिटी रहने वाली है। बाकी ऑडियो वगैरह भी सुनाएंगे। और उसके अलावा मेरा जो मेन फोकस जा रहा है ना एम्बिएंट लाइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है ब्राइट लाइट लगवाई है भैया ने, ये देख सकते हो जी पीछे लगे हमारे सीट कवर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीट कवर रहने वाले हैं स्विफ्ट की ब्रांडिंग के साथ, ये देख लो भाई। बाकी एक बार आपको पावर विंडो भी दिखा देते हैं। तो भैया से बात की मैंने, भैया कह रहे फोकल के जो है कंपोनेंट लगवाए आगे पीछे, पूरा सेट ही लगवाया उन्होंने आगे का पीछे का, तो कंपोनेंट लगे फोकल के, साउंड वगैरह अच्छी रहती है इसकी। एम्बिएंट लाइट मैंने आपको दिखा दी, डे में भी काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पावर विंडो किस तरह से काम कर रही है, ये देख सकते हो भाई गत्ते हमारे चारों चेंज हुए हैं, ये देख लो जी, ठीक है जी। पीछे भी आप देख सकते हो, ये भी देख लो, और इधर भी आप देख सकते हो भाई, ठीक है जी, चारों काम चारों चल रहे हैं। इसमें भैया ने YouTube खोल दिया, तो अब आपको यहाँ जो है साउंड सुनाते हैं। और इसी के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ रिमोट का, वो भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है ये काम कर रहा है, और ऑडियो क्वालिटी क्या रहने वाली है, जैसे भैया ने फोकल के कंपोनेंट लगाए आगे पीछे बताया था, यहाँ इसी से करेंगे हम।
अभी मैंने आपको दिखा दिया, रिमोट भी परफेक्टली जो है काम कर रहा है। अब भैया से बात करते हैं जो गाड़ी लेके आए हैं, कैसा रिव्यू है काम के बारे में, क्या रिस्पॉन्स। गाड़ी लेके स्विफ्ट LXi जो काफ़ी अच्छा जो है गाड़ी में काम हुआ है। कुछ दो तीन चीज़ें जैसे भैया मैं देख रहा हूँ, अपना मीटर हो गया और मिरर वगैरह हो गया, वो आपने नहीं अभी इसमें अपडेट कराया? अपडेट नहीं कराया अभी मैंने। हाँ तो वो मतलब क्या ऐसे, क्योंकि काफी कुछ आपने इसमें काम कराया, और एक फॉग कह सकते हो, और एक फॉग लाइट भी। हाँ फॉग लाइट भी। हाँ जी, बाकी यार थोड़े दिनों में इसको ऐड करवा लूंगा। अच्छा जी। हाँ बाकी मैंने अलॉय भी डलवाने हैं इसमें। अच्छा जी। हाँ ठीक है, बाकी गाड़ी में काम अच्छा हुआ है, काम अच्छा हुआ है मैंने देखा है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आप देख रहे हो एंड्रॉइड वगैरह सब कुछ लग गया है। जी जी, तो ये सारा काम आपके सामने हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे सामने हुआ है ये। ठीक है, तो बाकी कितना कॉस्ट वगैरह आया ये सब काम कराने? ये मीटर और ये हटा के अपना साइड मिरर हटा के 75 लग गए। 75,000। हाँ जी, बाकी अभी दो तीन काम जो है, काम बस मीटर और साइड मिरर रह गया। हाँ जी, बाकी सारा कुछ हो चुका है। हाँ जी, डैम्पिंग वगैरह भैया ने कराई, डबल लेयर हुई मैंने देखा है, डोर काफी इसमें एक अंदर से हुई है, फिर एक पावर विंडो वगैरह लगने के बाद बाहर से हुई है। हाँ जी, दोनों ले रहे इस पे। ठीक है जी, ठीक है। और भैया आपका क्या कहना है काम के बारे में? भैया काम तो बहुत अच्छा करा है, मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा काम तो। अच्छा, ये आपके ब्रदर है भैया? ये मेरा फ्रेंड है। अच्छा जी, ये मारुति सुजुकी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सेल्समैन नहीं है, पर इन्होंने से ही मैंने गाड़ी ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बारे में बता देना अगर कोई गाड़ी प्लान लेने का प्लान कर रहा है कुछ। भैया मैं मारुति शोरूम टीआर सानी पीतमपुरा में काम करता हूं। अगर कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हो, न्यू कार लेना चाहते हो, हां जी, कोई भी गाड़ी जैसे परचेज करने का प्लान कर रहे हो, हां जी, आपको मार्केट में रेट लेने के बाद एक बार आप मुझे कॉल कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा डाली देंगे। बाकी अगर कोई भी क्वारी हो गाड़ी लेने के रिगार्डिंग तो एक बार मुझे प्लीज कॉल करना। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो भैया। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 8510-915513। हाँ जी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी है, कोई भी क्वारी हो प्लीज एक बार कॉल करना। हाँ जी, ठीक है, जो बेटर होगा, जो डील बढ़िया रहेगी वो, मतलब बेस्ट डील मिलेगी, बेस्ट डील दे दूंगा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो भैया आप कैसे, काम के बारे में क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है बात करें तो? काम बहुत बढ़िया है भैया जी। और ये जो चीजें यूज की गई है, हम रिमोट की बात करें या डोर वगैरह, ये सब आपने चेक किया था जेनुइन सेशे वगैरह? हाँ, ये मैंने पहले अपना फ्रेंड तो है ही है, खैर ये। हाँ जी, मैंने इसमें फोटो में भेजी थी मारुति में। हाँ जी, तो उस बंदे ने वहाँ से सेटिस्फाई किया, कह रहा है ओके है, ठीक है, आप सामान लगवा लो जेनुइन। अच्छा, वहाँ से आपने क्रॉस चेक कराया? हाँ, तो ये फायदा हो गया, हमें दोस्त का भी कंपनी में बंदा लगा हुआ है हमारा, तो उससे सामान पता लग गया। तो भैया कितना टाइम लगा आपको सब रेडी कराने? भैया हम सुबह 11:30 बजे, 11:30 बजे के समथिंग, समझ लो 12 बजे काम स्टार्ट हुआ है और 5 बज गए। ठीक है, मतलब वही 5 घंटे। और बाकी अभी इसमें अलॉय व्हील पेंडिंग है, अलॉय व्हील डलवाने हम जा रहे हैं, तो उसके बाद गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भैया।